हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद मी। आज मैं आपके लिए हेयर फॉल और थिनिंग ऑफ हेयर से मुतल्लिक एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ। ये है रेवोकॉस सॉल्यूशन, जो एंटी हेयर लॉस स्प्रे है। ये हेयर लॉस को स्टॉप करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये एंजाइम मेल के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह बनते हैं। हेयर लॉस को रोक कर हेयर रूट्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डैंड्रफ और इसी स्कैल्प में भी मुफीद है। और ये फीमेल पैटर्न जो एलोपेशिया होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोपेशिया में आपकी जो बाल हैं वो जगह जगह से राउंड पैचेस की सूरत में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो ये फीमेल के अंदर जो एलोपेशिया होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, अब इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, ये तो होगा इसके फ़ायदे। इसको आपको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और 1 ml जो है वो आपको अप्लाई करना है अपने स्काल्प में। 1 ml किस तरह अप्लाई करेंगे, इसको 5 times स्प्रे करना है। जब आप 5 times स्प्रे करेंगे यानी कि इसको 5 times प्रेस करेंगे, ठीक है। 5 times हेयर के डिफरेंट पार्ट्स में आप प्रेस करेंगे तो ये 1 ml आपके स्काल्प में आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 times स्प्रे एक दफ़ा मॉर्निंग में। और फिर इसको 1 minute तक अच्छी तरह अपने स्कैल्प में मसाज करना है। देन इसको कुछ घंटों के लिए लगा छोड़ देना है और फिर आपको अपना जो हेयर है वो किसी अच्छे शैम्पू से धो लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसको शाम में अप्लाई करना है या रात को सोते वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह 5 times स्प्रे करेंगे यानी कि 1 ml अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है और 1 minute अच्छी तरह से मसाज करना है एंड देन ओवरनाइट छोड़ देना है। फिर सुबह होते ही आपको दोबारा इसको अप्लाई करना है एंड देन दोपहर में अपना जो हेयर है वो वॉश कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट आप कुछ ही हफ्तों में देख लेंगे कि नए बाल उगना शुरू हो गए हैं और वो जगह जहाँ पे इस स्पेस हो गया था बाल गिरने की वजह से, जगह खाली हो गई थी, वहाँ पे आपके छोटे छोटे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी अपनी आजमाई हुई हेयर स्प्रे है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी के दौरान आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, आफ्टर डिलीवरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।